ये जो आरएसएस संघ परिवार भाजपा के लोग हैं या इस मानसिकता के लोग हैं, ये पिछले 200 साल के इतिहास की बात क्यों नहीं करते जब अंग्रेजों का शासन था, जहां इनका कोई रोल नहीं था। एक एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए जिसने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी हो जो संघ परिवार का या इस मानसिकता का हिस्सा हो। ये सीधा पूरा उसको भूलकर, पूरे ब्रिटिश शासन को भूलकर सीधा मुसलमानों पर ही क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्हें आज ही सूट करता है, क्योंकि आज वो पोलराइज करना चाहते हैं। ये लोग कई सालों से प्रयास कर रहे हैं कि औरंगजेब पुराने विलेंस बनाए, आज नए विलेंस तो हैं ही, पुराने भी बनाएंगे, जिनको आधार बनाकर ये डिवाइड करते रहे समाज को। ये इनकी बहुत पुरानी परंपरा रही है। कहा जाता है भाई जिजिया लगा दिया उन्होंने। कब लगाया जिजिया? बनने के 21 साल बाद। मुसलमानों पर कितने टैक्स लगाए थे? 6। हिंदुओं पर कितना टैक्स लगाया था? 1। तो क्या आप उसको कहेंगे एंटी हिंदू? क्या कहेंगे? ये प्रश्न है। मैं इसमें कोई उत्तर ना मुझे है मेरे पास, ना शायद और लोगों के पास होंगे, लेकिन ये डिबेट जरूर होनी चाहिए। डिबेट इतिहास के बारे में भी होनी चाहिए, लेकिन उसका इस तरह का राजनीतिकरण कर देना कि आज के मुसलमानों को आप एक कोई मैसेज देना चाह रहे हैं, वो मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। अगर औरंगजेब क्रूर शासक था, उसने हिंदुओं को कन्वर्ट किया, बहुत लोग मारे, तो अशोक ने क्या किया? अशोक ने बुद्धिस्ट बनाया हिंदुओं को और जैनिस को, कितने तीर्थंकरों को मारा, कन्वर्ट भी किया, मारा भी। बीजेपी का मुख्यालय तो अशोक मार्ग पर है, क्यों नहीं उसका नाम बदल देते हैं?